महादेव। सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी बिमले मम मति रास्ता तब पद गमले। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं आपका देवनगरी हरिद्वार के गंगा तट से। आज से मेरे चैनल पर शुरू हो रही है भगवान केदारनाथ की पवित्र यात्रा। इस हफ्ते के अंत में ही हमारे बाबा केदार के जो कपाट है वो बंद हो जाएंगे, तो अब अगर मैं दर्शन नहीं करा पाया आप लोगों को तो फिर 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पूरा केदारनाथ तक का सफर करने वाले हैं। कैसा रहने वाला है रास्ता, सबके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताता जाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे। और उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। तो हर हर गंगे हर हर महादेव के साथ करते अपनी इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों हरिद्वार से ही चारों धामों की शुरुआत होती है। अब मेरी केदारनाथ यात्रा जो कि मैं बाइक से कर रहा हूँ ये लगभग 230 किलोमीटर की होने वाली है। आपको भी अगर चार धाम की यात्रा करनी है तो आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। मेरी ये यात्रा बाइक पर होने वाली है, पर आप अपनी यात्रा अपनी पर्सनल कार से, शेयर टैक्सी से, बस से, इन सब चीज़ों से भी कर सकते हैं। अब मैं 12:30 बजे हरिद्वार से निकल रहा हूँ और मैं आपको रास्ते में जितनी भी अलौकिक जो स्थान है उनके दर्शन भी कराता हुआ जाऊँगा। हरिद्वार से आगे बढ़ने के बाद जो पहला महत्वपूर्ण पड़ाव पड़ता है वो है हमारा योगनगरी ऋषिकेश। जो आप देख सकते हो ये मुन्नी की रेती है और यहाँ से मेरे लेफ्ट हैंड पर आप गंगोत्री और यमुनोत्री जा सकते हैं। क्योंकि हमें केदारनाथ जाना है तो हम जाएंगे दाहिनी तरफ, यहीं से आप बद्रीनाथ और केदारनाथ की तरफ भी जा सकते हैं। ऋषिकेश की बात करूँ तो 12 महीने यहाँ पे बहुत यात्री रहते हैं। आप चाहें तो ऋषिकेश से भी शेयर जो टैक्सी मिलती है, शेयर जो स्कूटी मिलती है, रेंटल बाइक मिलती है, उससे भी आप अपनी चारधाम की यात्रा कर सकते हैं। और जो वाला पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ से ऑफिशियली पहाड़ों का जो रास्ता होता है, चारधाम के जो पहाड़ के रास्ते होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। अभी भी आप देख सकते हो कि जो यात्री आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है त्यौहार का जो सीज़न चल रहा है तो बड़ी संख्या में आपको सड़कों पर गाड़ियाँ वगैरह नज़र आ रही होंगी, क्योंकि ये मौसम घूमने के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि जो मानसून में लैंडस्लाइड हुई थी और जिस तरीके से सड़कें जगह जगह से टूटी थी उसके निशान ना अभी भी पड़े हैं। और आप देख सकते हो जगह जगह पर लैंडस्लाइड के जो पॉइंट है वो आपको साक्षात दिख रहे होंगे। जगह जगह JCB का कार्य अभी भी चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। तो ऐसा ही होता है पहाड़ों पर, एक बार लैंडस्लाइड हो जाती है तो पूरे साल JCB बस उस मलबे को ही हटाती रहती है और साइड में मलबे का पूरा ढेर नज़र आ रहा होगा। ऋषिकेश से 20 किलोमीटर आगे आपको मिलेगी ये शिवपुरी जगह, जो कि एक एडवेंचर एक्टिविटी करने वाली हब है। यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, वाटर गेम्स वगैरह, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है और हो सके तो आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे ही फिल करा लें। वैसे तो केदारनाथ के रास्ते में पेट्रोल की कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, जगह जगह आपको पेट्रोल पंप मिलने वाले हैं। तो देखिए एक तरीके का बीच सही है और यहाँ से राफ्टिंग वगैरह शुरुआत कराई जाती होगी। राफ्टिंग का पॉइंट है शिवपुरी का, राफ्टिंग यहीं पे चलती है, सुंदर सा बीच बना हुआ है। तो अगर आपको राफ्टिंग वगैरह करनी है ग्रुप के साथ, अभी तो बहुत 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो यहीं से होगी। जरा पीछे का जरा व्यू चेक करो, कितना खूबसूरत व्यू। और ये यहीं का हाल है यहाँ पर, जो अभी तो हम ऋषिकेश से बस थोड़ा सा आगे आए हूँ और शिवपुरी में। और यहाँ पे देखिए ऐसे रेत पर चलते हुए, तो बोलते हैं ना सफर का मजा मंजिल का नहीं होता, जो रास्ता होता है वही उसका आनंद होता है, मज़ा होता है। तो आप जब ये चार धाम वगैरह जाते हो बद्रीनाथ केदारनाथ, तो इसी तरीके का जो आपको रास्ते भर ये मनमोहक दृश्य मिलता है, बस यही तो जर्नी होती है। जल देखिए एकदम साफ हो चुका है बिल्कुल। ऋषिकेश का तो मैंने आपको जल्दी वीडियो भी दिखाई थी, पर बिल्कुल अब तो जो नीला जल है वो आने लगा, एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर जल आ रहा है ऊपर पहाड़ों से। और यहाँ पे पोहा और मैगी जो लेके मैं अपने घर से आया था गंगा किनारे बैठ के, उसके खाने का तो आनंद ही अलग है।
थोड़ी सी आगे बढ़ने पर देवप्रयाग से पहले ये वाला स्थान मिलता है जिसका नाम है तीन धारा। यहाँ पे आप अपना खाना पीना, चाय नाश्ता वगैरह मतलब फ्रेश हो सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ के जो ढाबे हैं वो भी बहुत अच्छे और बजट में होते हैं। तो बढ़िया, यहाँ पे रुके, अपना रेस्ट लिया और ये अपना नींबू पानी लिया जो बिल्कुल ऑर्गेनिक नींबू पानी है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं पहाड़ का तीन धारा में। तो वहां से निकल के बस थोड़ी सी आगे पड़ता है हमारा सबसे फेवरेट जो प्रयाग है, जो सबसे बड़ा प्रयाग है हमारा देवप्रयाग, जिसके बिना आपकी चारों धाम की यात्रा पूरी होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जन्म होता है हमारी माँ गंगा का, जो नीचे आप देख सकते हो। लगातार देवप्रयाग की अपडेट में लाते ही रहता हूँ साल भर, और अभी आपको बता सकता हूँ कि सबसे सुंदर दृश्य अगर अभी देखने को मिल रहा है तो अभी देखने को मिल रहा है। हमारी जो भागीरथी है कितनी नीट एंड क्लीन, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, और अलकनंदा भी इस टाइम अब ग्रीन जो मेहंदी कलर की है वो होने लगी है। तीन बज रहे हैं, 3 बजे मैं देवप्रयाग पे हूँ और ठंड होने लगी है पहाड़ों पर कोशिश बिल्कुल रहेगी कि आज मैं सोनप्रयाग में पहुंच जाऊँ। तो कंटिन्यू चल रहा हूँ, इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा हर चीज को मैं कवर करता जा रहा हूँ। बहुत बार मैंने ये इस वाले रास्ते की वीडियो बना दी है। देवप्रयाग से निकल जाने के बाद थोड़ी सी आगे पड़ता है श्रीनगर। श्रीनगर जो कि इस रूट का सबसे बड़ा पहाड़ी शहर है, तो वहाँ पे भी आप अपना चाहे तो फ्रेश हो सकते हैं, अपना खाना पीना कर सकते हैं, और स्टे के भी वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। और दोस्तों लगभग 1.5-2 घंटे की लगातार ड्राइव के बाद सीधा पहुंच चुके हैं हम माँ धारी देवी के मंदिर पे, जो कि उत्तराखंड का सबसे जागृत मंदिर है। बहुत बार दिखाता हूँ क्योंकि इनके बारे में कहा ही जाता है कि जब भी आप बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर जाएं, आते या जाते माँ धारी देवी के दर्शन जरूर करें, क्योंकि इसके बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे ये मंदिर है, बीच अलकनंदा के नदी पर ये मंदिर स्थित है, तट पर। और अभी तो आपको दिख रहा होगा सर्दी होने की वजह से अलकनंदा में बिल्कुल जल नहीं है, पर जो इसकी लोकेशन है वही इसे सबसे खूबसूरत और दिव्य बनाता है। पहाड़ की चोटी के बीच में आती हुई इस अलकनंदा और अलकनंदा के बीच में स्थित ये, आप हमेशा धारी देवी के दर्शन जरूर करते हुए जाए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत चमत्कारी देवी इनको कहा जाता है। दिन में 3 बार ही अपना रूप बदलती है। कहते हैं सुबह एक ये बालिका होती है, दिन में एक ये युवती बन जाती है, और रात होते होते ये एक वृद्ध महिला का रूप धारण कर लेती है। सबसे चमत्कारी मंदिर इसलिए कहा जाता है। अभी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, लगभग 4:30 बजने वाले हैं और अभी अपने को बहुत लंबा सफर करना है, पर मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में 2-3 बार ब्लॉग बना रखे हैं, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, चैनल पे ही आपको मिल जाएंगे। और रुद्रप्रयाग पहुंचने से जस्ट पहले आपको बीच में ये पॉइंट मिलेगा जिसमें आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ के रास्ते मिलेंगे। हमें नीचे की तरफ जाते हुए मिलेगा केदारनाथ, और ऊपर की जो सड़क गई है वो जाती है बद्रीनाथ। ये एक बाईपास है जो कि रुद्रप्रयाग शहर के बाहर से निकाला गया है, और आप जब भी केदारनाथ जाएंगे तो इसी बाईपास के थ्रू आप निकलेंगे और अलकनंदा को पार करते हुए पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग संगम में, और देखिए प्रकृति की लीला देखिए। मैंने लगभग सिर्फ एक महीने पहले मैंने बद्रीनाथ सीरीज जब बनाई थी तब इसकी मैंने संगम की वहाँ पे वीडियो बनाई थी और लाइव भी आया था, और तब इतना ज़्यादा जल था दोनों नदियों में। ये वाली जो मंदाकिनी है जो कि आ रही है केदारनाथ से, और वो आ रही है आपकी अलकनंदा जो आ रही है बद्रीनाथ से, और उस टाइम इसमें इतना ज़्यादा जल था, उफान पे थी। और एक महीने बाद आज ये इतनी कम हो चुकी है ना कि आप मंदाकिनी को चल के भी पार कर सकते हैं। सोचिए पैदल भी आप पार कर देंगे पूरी मंदाकिनी, इतना कम जल है। तो अलकनंदा जबकि बड़ी है उनमें तो थोड़ा बहुत है जल, पर मंदाकिनी तो बिल्कुल ही आप कम चल रही है। देखो और ये है संगम हमारा रुद्रप्रयाग का, जो दूसरा बड़ा संगम है पंचप्रयाग में। दोस्तों अब आप पहुंचे हैं हम कुंड में। कुंड वो जगह है जहां से आप बोल सकते हैं कि ऑफिशियली केदार घाटी शुरू होती है। जैसे ही ये हम ब्रिज पार करते हैं हम केदार घाटी में एंटर कर लेते हैं। यहां पे रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है क्योंकि यहां पे सिंगल लाइन है। अभी तक जो हम सड़क पे आए वो बहुत अच्छी थी, पर यहां से सिंगल लाइन हो जाती है जिसमें बहुत सारे गड्ढे हैं। इसमें एक रास्ता ऊपर उखीमठ चोपता तुंगनाथ को चला जाता है, और देखिए आप ब्रिज में ही देख सकते हैं कि कितना कीचड़ है। तो बहुत ज़्यादा कीचड़ यहाँ पे रहता है, और ख़ासकर मानसून के मौसम में लगातार यहाँ पे पहाड़ वगैरह गिरते रहते हैं। नीचे मंदाकिनी निकलती है, और यहाँ से अगर मैं आपकी बात करूँ सोनप्रयाग की, तो सोनप्रयाग यहाँ से रह जाता है लगभग 50 किलोमीटर। तो रोड की कंडीशन देख सकते हैं दिन भी ढल चुका है, तो कोशिश करेंगे जहाँ तक आज हो सके पहुँचने की। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव।
तो कल आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे हम पहुंचे। मैं गुप्तकाशी यहाँ पे रुक गया था क्योंकि अंधेरा होने लगा था, तो गुप्तकाशी पे रुक गया। यहाँ से आपका केदारनाथ रह जाता है सोनप्रयाग 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर जाएंगे। इस होटल में रुक गया था मैं अपना। एक बात तो है, यहाँ पे मार्केट बहुत जल्दी बंद होने लगा है, तो दिख रहा है कि अब सीजन बिल्कुल खत्म होने वाला है इस साल। और खूबसूरत यहाँ पे वेदर देखिए, धूप निकली है। गुप्तकाशी तक ना सर्दी ज्यादा नहीं है, गुप्तकाशी तक उतनी सर्दी है जितनी आपकी हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून में, उतनी ही फील हुई, ज्यादा कुछ खास फील नहीं हुई। सर्दी जो एक्चुअल में शुरू होगी वो ऊपर चढ़ाई जब करेंगे ना ट्रैकिंग, वहां पे होगी शुरू। आप सामने देख ही सकते हैं कि बर्फ से बिल्कुल ढके हुए हिमालय की जो रेंज है, केदारनाथ है, इस तरीके के पहाड़ बिल्कुल साफ साफ आपको गुप्तकाशी से आगे दिखना शुरू हो जाते हैं और आप एक अलग ही ऑरा में चले जाते हैं। मतलब पूरा फील होता है कि हाँ, अब आप ऐसी एक हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पर जा रहे हो जहाँ पे जाके आपको बहुत अच्छी वाइब्स आने लगती है, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे पहाड़ों के, हिमालय के दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर हेलीकॉप्टर की बात करूं तो गुप्तकाशी से लेके आपको नीचे सोनप्रयाग तक हेलीपैड मिल जाएंगे तमाम, जो कि आपको हेलीकॉप्टर से बहुत ही चंद मिनटों में केदार बाबा के धाम में पहुंचा देंगे। उसकी रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है, मतलब वो सब कुछ आपको रोड पे ही मिल जाएगा, उनके ऑफिस वगैरह सब कुछ ऑन रोड ही मिलेंगे। तो आप अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो उन सुविधा का भी आप लाभ उठा सकते हैं। बातें करते करते अब हम पहुँच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव सोनप्रयाग तक। अब सोनप्रयाग के बाद यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। ये पहुंच गए हम यहाँ पे सोनप्रयाग की पार्किंग में। देखा, गाड़ी पार्क हो रखी है, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से पार्किंग फुल है। नीचे कई फ्लोर की ये मल्टी लेवल ये पार्किंग बनी हुई है, और गाड़ी और फोर व्हीलर देखिए ऊपर ऊपर तक तो देखिए ऊपर ऊपर तक अभी आपको गाड़ियां नजर आ रही होंगी पार्क हुई हुई। और ये है कुछ पार्किंग है इस तरीके की। तो हरिद्वार टू केदारनाथ वाली इस फर्स्ट पार्ट को हम यहीं करते हैं समाप्त, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने कंटिन्यू रखी। तो यहाँ तक आपने देखा किस तरीके से हम हरिद्वार से यहाँ सोनप्रयाग तक पहुँचे हैं, और सेकंड पार्ट में अब मैं यहाँ से अपनी जर्नी करूँगा, अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।